टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर खूबसूरत शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जिस तरह से मुमरा शहर को संघाई बना दिया गया है, संघाई के नक्शे कदम पर मुमरा शहर चल रहा है, ऐसा नेता दावा कर रहे हैं, तो शायद संघाई शहर मुमरा की कुछ तस्वीरें नेताओं को देख लेना ही बेहद ज़रूरी है कि इस मुमरा संघाई शहर में कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और बाइक, कार, बस, ऑटो वाले इस संघाई वाले मुमरा शहर से गड्ढों से होकर गुजरने को मजबूर है। मुमरा शहर में सड़कों पर गड्ढों की भरमार हो चुकी है, चाहे मुमरा रेलवे स्टेशन के पास का इलाका हो या फिर मुमरा पुलिस स्टेशन के पास का इलाका हो या अमृतनगर दारुल फला मस्जिद से लेकर शिमला पार्क तक रोड पर आपको इसी तरह से गड्ढे मिलेंगे। अभी तो बारिश की शुरुआत ही हुई है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। हालांकि इन गड्ढों को भरना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो गड्ढों की वजह से हादसे भी हो सकते हैं। वहीं मुमरा शहर में कुछ लोग संघाई बताने पर सोशल मीडिया में पोस्ट करके टिप्पणी कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन गड्ढों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। इतनी बुरी दुर्दशा मुमरा शहर की सड़कों की हो गई है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से गाड़ियां इन गड्ढों से गुजरती हैं और शहर में ख़राब सड़कों की वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है। अभी बारिश का महीना ही शुरू हुआ है और बारिश अभी और भी होनी बाकी है, मगर पिछले साल जो गड्ढे भरे गए थे वहीं पर अब धीरे धीरे ये गड्ढे बड़े होते जा रहे हैं, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गड्ढे भरे गए थे वही गड्ढे फिर से एक बार सामने आ रहे हैं। यानी किस तरह का यहाँ पर मटेरियल डाला गया था कि पहली, दूसरी, तीसरी बारिश में ही यहाँ पर अब फिर गड्ढे हो रहे हैं। हालाँकि इस दौरान हमने यहाँ से गुजरने वाले जो ऑटो चालक हैं और जो बाइक सवार हैं उनसे भी बातचीत की है, सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। खड्डों को लेकर क्या कहोगे आप? इतने कुछ रोज से जो खड्डे इतने हो गए हैं उसकी वजह से मेरे बैकबोन में इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि मुझे मजबूरन जो हल्दी वाले डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुमरा खूबसूरत हो गया, संघाई हो गया है। कोई शक नहीं कि मुमरा खूबसूरत है, वहाँ रहते हैं इसलिए तो हमारी हमको कहना चाहिए कि मुमरा खूबसूरत है, लेकिन जो ये छोटी मोटी तकलीफ है कॉरपोरेशन अगर इसकी तरफ तवज्जो देती है तो इंशाल्लाह ये और खूबसूरत हो जाएगा मुमरा। मुमरा में जो खड्डे हैं बहुत बेकार खड्डे हैं, मुमरा से लेकर कोलकाता तक का ट्रैफिक होती है वो अलग, गाड़ी का काम निकलता है वो अलग, यहाँ के नेता नगर सेवक इस बारे में कोई नहीं, कॉरपोरेशन कोई नहीं ध्यान दे रहा। नेताओं का तो कहना है कि मुमरा शहर में खड्डे हैं ही नहीं, वो यहाँ के नेता अंधे हो गए, इनको नेता को गौर करना चाहिए, खातों में यहाँ के नगर सेवकों को शहर को संघाई बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या? शहर को संघाई बनाने का चल रहा है, वो एक ख्वाब रहेगा संघाई, मुमरा को अच्छा मुमरा बना दो वो अच्छा है, संघाई मत बनाओ, एक अच्छा मुमरा बना दो, एक अच्छा मुमरा, ये हमारे नेताओं से विनंती है। क्या कहेंगे ऐसे गड्ढों के लेकर, जिस तरह से गड्ढे हैं यहाँ रास्ते में? इनसे बड़ी बारिश आने के पहले बना देती, बारिश में बनाती नहीं। इसके पहले कुछ गड्ढे भरे गए थे लेकिन जो भरे गए थे गड्ढे वो भी वैसे हो गए। हाँ, भी गड्ढे वैसे हो गए। गाड़ी चलाने में क्या तकलीफ आती है? बहुत तकलीफ होती, लोड गाड़ी बहुत भारी पड़ता चलाने। गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी खराब होती क्या होता है? गाड़ी में काम निकलता है, बारिश में ज़्यादा निकलता है, खड्डे ज़्यादा रहते ना तो मेंटेनेंस ज़्यादा निकलता है इसमें। बारिश आने के पहले लोग बनाते, बारिश भर बनाते नहीं है खड्डे, अभी बारिश जाएगी दो चार महीने बाद ही बनाएंगे लोग।